हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो यहाँ पे अभी सभी घर वाले हो रहे हैं बोर। कोई ना कोई जिम कर रहा है, कोई ना कोई गार्डन में बैठा हुआ है, कोई ना कोई रसोई घर में बैठा हुआ है, तो कोई बेडरूम में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे करुणा तेजस्वी को कौन सी बात सता रही है कि वो एक दूसरे को बहुत कब से बातें कर रहे हैं डैन में बैठे बैठे। क्या बातें कर रहे हो, कौन सी बात उन्हें सताई जा रही है, चलो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको बिग बॉस की सारी खबरें यहाँ पर मिलती रहे, एक्सक्लूसिव खबरें यहाँ पर मिलती रहे। तो ये दोनों उस बीबी शॉप के बारे में बातें कर रहे थे कि क्या हमने जो झगड़ा किया था और जो डिसीजन लिया था, क्या वो हमारा फेयर था या नहीं। वो दोनों इस बात को लेकर बातें कर रहे थे, नज़र आ रहे थे, क्योंकि आधी से ज़्यादा वो बात कर रहे थे वो म्यूट हो गया था। और आधी बात हमको जब पता चली तो वो यही थी कि वो बीबी शॉप के टास्क को लेकर बात कर रहे हैं कि क्या हमारा डिसीजन फेयर था। तेजू जब करण ने ये तेजस्वी से पूछा तो तेजस्वी ने बोला कि हाँ फेयर ही था। तो करण बोलते हैं अरे शायद अगर सलमान खान हम पांचों को डांटेंगे तो क्या होगा, जब वीकेंड का वार आएगा तब तब की तब देखेंगे ना, अभी से चिंता करके क्या करना है तुझे करण। तो ये दोनों वीकेंड का वार के बारे में चिंता करके बैठे हुए थे। तो आपको क्या लगता है, वो उन लोगों का डिसीजन सही था या गलत, हमें कमेंट पर लिख के ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।